आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? तो ये सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट हम एक एक करके रीड कर लेते हैं। H2+ आयन इज मोर स्टेबल देन H2 मॉलिक्यूल। द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2+ इज पॉजिटिव। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2+ इज 0.5 एंड हेंस H2+ इज डज नॉट एग्जिस्ट। एंड द थर्ड है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो H2+ में हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू H2 में। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट यहाँ स्टडी करते हैं। तो फिर अगर हम H2 की बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? HH। अगर हम इसके MOT डायग्राम की डिस्कस करते सिग्मा 1s 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर हम H2+ की बात करें तो इसके अंदर सिग्मा 1s 1 होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 0.5 होता है, राइट? तो 0.5 होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें हमारे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? H2 इज मोर स्टेबल देन, तो स्टेबिलिटी तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? H2 मॉलिक्यूल का, राइट? तो H2 मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है H2+ से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। H2+ ज्यादा स्टेबल होगा ना कि H2+। ओके, सो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0.5 है तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होगा, राइट? कुछ ना कुछ बॉन्ड तो है इन दोनों के बीच H2+ के केस में, तो कुछ ना कुछ बॉन्ड है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर है 0.5 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता किसी मॉलिक्यूल का, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो हम कहेंगे दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इंटरेक्शन 0 होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इंटरेक्शन ही कैलकुलेट करता है, राइट? तो फिर लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। 0 एग्जिस्ट होगा अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी एग्जिस्ट होगी, अब वो पॉजिटिव होगी। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है? सो ये कह रहा है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इतना 0.5, हेंस H2 डज नॉट एग्जिस्ट। बट ऐसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी ग्रेटर देन 0 है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगर हम बात करें H2 की, तो H2 में कितने हैं? 2 न्यूक्लियाई हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं बीच में, राइट? सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा है। अगर हम H2+ की बात करें, H2+ मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन अब निकल चुका है। अब यहाँ पे कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है और 2 न्यूक्लियाई हैं। यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कह रहा है कि H2 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमेशा ज्यादा होगी H2 से। बट ऐसा नहीं है, बल्कि H2 में ज्यादा होगी H2+ से। तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? सिर्फ एक ही इसमें से करेक्ट है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 इज आयन इज पॉजिटिव, ठीक है? क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।